अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम गाउसियन क्लोज सरफेस कैसे ज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला केस था, जो इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर वाला केस था, इसमें हमने वर्टिकल सिलेंडर एज्यूम किया था, स्मॉल आर लेंथ का एंड स्मॉल आर रेडियस का। वो ही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि देखो, हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं गाउसियस लॉ से, फिर फ्लक्स फाइंड करते हैं खुद फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है उससे। तो हमको क्या करना होता है, कैलकुलेशन को इजी करना होता है। अगर ये स्टेप हमको लगाना है तो इसके लिए तुमको सिर्फ क्लोज सरफेस चाहिए, कैसी मर्जी भी क्लोज सरफेस हो। लेकिन अगर ये वाला स्टेप लगाना है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर के बीच एंगल का भी ध्यान रखना होगा। तो हमारी कैलकुलेशन कब इजी हो सकती है, जब एंगल इसमें क्या हो, 0 डिग्री हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है 0 डिग्री, और इसके अलावा अगर कोई और एंगल लेना भी पड़े तो वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब कैसे दिखाऊं, रुको, मोबाइल सेट करने दो मेरे को, ठीक है, प्लीज वेट। जा रही है, हाँ, अब देखना, दिख रहा है? ये भी नहीं रुकता, मुझे भी सुनाई नहीं रुकता। अब देखो, सपोज ये वायर है, कौन सी, इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर है, जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहां पे होगी, हमने बोला था जैसे ये पॉइंट है तो यहां पे आउटवर्ड्स होगी। अगर इस पॉइंट पे मैं देखूंगा तो इधर कहां होगी, परपेंडिकुलर होगी वायर से इस तरफ आउटवर्ड्स। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो वो कहां होगी, परपेंडिकुलर होगी इससे और आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में होगी। इसके बाद मैंने क्या किया था, इस पे एक क्लोज गाउसियन सरफेस एज्यूम किया था। कौन सा क्लोज गाउसियन सरफेस एज्यूम किया था, सिलेंड्रिकल। तो ये देखो, ये एक सिलेंडर है, सपोज ये री वायर, इसके अराउंड मैंने गाउसियन सरफेस ये वाला एज्यूम कर लिया। अब इस पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, और ये इस तरफ आ रही है ना, इस तरफ आ रही है। और इस जगह पे अगर सरफेस देखो तो सरफेस की डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड्स। तो इस तरफ दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगी। अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 0 डिग्री। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरफ आएगी, वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो ये वायर है, परपेंडिकुलर ये बनेगा आउटवर्ड्स, मतलब वायर से दूर जाना है, तो ये इस तरफ बनेगी, ठीक है, इस तरफ बनेगी। और यहां पे अगर एरियल वेक्टर की डायरेक्शन देखो तो एरिया ये वाला मेरे को विजुअल हो रहा है, ये वाला, तो यहां पे भी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इस तरफ, तो यहां पे भी थीटा 0 आ गया। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यहां की बात करूं तो मैं ऊपर से देखूंगा एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड्स, तो एरिया की डायरेक्शन इस तरफ हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर इस तरफ देख रहा हूं तो इसी तरफ रहेगा, तो फिर यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। समझ आ गया ना। तो ऐसे करके हम गाउसियन सरफेस एज्यूम करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल रहे। इसके बाद जब आप प्लेन शीट वाला केस पढ़ोगे, ठीक है, उसकी मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, लेकिन गाउसियन सरफेस कैसे एज्यूम करनी है वो अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि स्टेप तो यही 3 फॉलो करने हैं, तो वो आराम से समझ आ जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक शीट होगी पूरी की पूरी, ऐसे करके पूरी शीट होगी जिस पे चार्ज हमने दे रखा होगा, पूरी शीट होगी, ठीक है। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे करके हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे वाला सिलेंडर ज्यूम नहीं कर सकते। ऐसे वाला सिलेंडर ज्यूम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे देखो आप, इस पॉइंट पे देखो तो यहां पे एरिया की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ, ये इस तरफ आएगी ना टेडी सी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो एंगल ना तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, ना ही 90 डिग्री है, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वहां पे ऐसे ओरिजोंटल सिलेंडर ज्यूम करेंगे, लेटा हुआ सिलेंडर। इससे क्या होगा कि जैसे ये वाला प्लेन है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगी, तो क्या होगा, तो इससे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आ जाएगा। और वैसे अगर ये वाला प्लेन देखू मैं, ये वाला, तो यहां पे एरिया की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, तो वो जब तुम करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। और एक स्पेरिकल शेल वाला केस है, उसमें क्या करते हैं, स्पेयर के राउंड एक स्पेरिकल शेल ही ज्यूम करते हैं, उसका भी यही सेम रीजन है कि उसमें थीटा इक्वल्स टू हमको 0 डिग्री मिल जाए सभी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और देखिए इसमें जो आंवला चूर्ण था सारा मैंने फेंक दिया आपके लिए, आपके लिए नहीं फेंका, अभी कटोरी में फेंका है। आई एम जस्ट किडिंग। ओके, हैव ए नाइस डे।